नमस्कार दोस्तों, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी या पद्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस बार साल 2021 में ये शुभ तिथि 17 सितंबर को पड़ रही है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी और देव प्रबोधनी के समान ही परिवर्तनी एकादशी का महत्व है। इस दिन व्रत और पूजन करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 16 सितंबर 2021 को सुबह 9:39 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी की शुरुआत सूर्योदय के बाद से हो रही है, तो उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर 2021 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण समय रहेगा 18 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह 6:54 तक। यही नहीं, इस बार परिवर्तनी एकादशी पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जिस वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवर्तनी एकादशी के साथ इस बार भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन का भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। साथ ही इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही है, जिससे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि का संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की जो भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में बता दें इस व्रत की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी को पापनाशिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार में पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को पीले रंग के फूल, मिठाई और हल्दी चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र दान करना शुभ होता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान ही माना जाता है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की वामन और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही धन की कमी भी नहीं होती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।